अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। ये लालू के लाल तेजस्वी यादव हैं। नीतीश के पाला बदलने के बाद बिहार में खेला करने का दावा कर रहे थे, लेकिन खेल इन्हीं के साथ हो गया और खबर तक नहीं हुई। तेजस्वी के तीन विधायकों ने रातों रात पाला बदल लिया। जब सदन में कार्यवाही शुरू हुई तो वोटिंग से पहले ही इन तीन विधायकों को नीतीश के खेमे में बैठा देखकर हर कोई हैरान था। इन विधायकों की पहचान जानेंगे तो असली कहानी समझ में आएगी, लेकिन पहले क्या कुछ हुआ ये देख लीजिए। आरजेडी के तीन विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव फ्लोर टेस्ट के पहले ही पाला बदलकर नीतीश खेमे में बैठ गए, यानी सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ, जिस पर तेजस्वी यादव ने विरोध भी जताया। कि जो सदन जिस दल के सदस्य है, मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो यह अमान्य माना जाता है। मतदान जो है अमान्य माना जाता है। अभी अभी बहुत चल रही है, समय पर। अब असली खेला क्या हुआ है इसकी कहानी सुनिए। जो तीन विधायक पाला बदल कर नीतीश के खेमे में पहुंचे, उनमें पहला नाम है बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का, दूसरा नाम है बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह का। कहा जा रहा है कि बिहार के इन दो बाहुबलियों ने लालू परिवार से अपना बदला पूरा कर लिया, या यूं कहें कि तेजस्वी के साथ विश्वासघात। पहले बाहुबली आनंद मोहन और उनके विधायक बेटे चेतन आनंद की ही बात कर लेते हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के पाला बदलकर एनडीए खेमे में आने के बाद उनका एक फेसबुक पोस्ट सामने आया है, जिसमें लिखा है, ठाकुर के कुएं में पानी बहुत है, सबको पिलाना है। इस पोस्ट के पीछे भी एक कहानी है, जिसके किरदार है आरजेडी नेता मनोज झा और बाहुबली आनंद मोहन। मनोज झा ने ठाकुर वाली कहानी राज्यसभा में सुनाई थी। का मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव देश शहर। तब आनंद मोहन तमतमा गए थे। विवाद इतना बढ़ा था कि लालू और तेजस्वी से मिलने गए आनंद मोहन को बैरंग लौटा दिया गया था, जिसके बाद से आनंद मोहन की नजदीकियां नीतीश और बीजेपी नेताओं से बढ़ने लगी थी। यहीं लालू के लाल ने सियासत समझने में गलती कर दी थी। अभी कुछ महीने पहले ही आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए नीतीश कुमार ने कानून में बदलाव किया था। उसी की मदद से आनंद मोहन डीएम हत्याकांड में जेल से बाहर आए थे। इसके बाद आनंद मोहन ने इसके लिए नीतीश कुमार का आभार जताया था। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार से रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए ही आनंद मोहन के बेटे ने पाला बदला है। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे के पाला बदलने की असली वजह तो समझ में आ गई होगी आपको। कुछ ऐसी ही कहानी बाहुबली अनंत सिंह की भी है, जिसके चलते पत्नी नीलम सिंह ने पाला बदल लिया। इसके भी दो किरदार हैं, अनंत सिंह और ललन सिंह। अनंत सिंह और ललन सिंह में अदावत का रिश्ता रहा है। कहा जाता है कि जदयू में ललन सिंह का ताकतवर होना भी अनंत सिंह के नीतीश कुमार से दूर होने का कारण रहा था। ऐसे में जब ललन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे तो अनंत सिंह सहज हो गए। बता दें कि मोकामा से विधायक रहे अनंत सिंह को अवैध रूप से AK-47 रखने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। नीलम देवी ने बाहुबली पति अनंत सिंह की हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। नीलम सिंह ने उस वक्त अपनी ही सरकार और तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए थे। नीलम देवी ने इस मामले पर आरजेडी नेता से चुप्पी तोड़ने की मांग की थी। रिश्तों में खटास तब भी पड़ी थी और मौका मिलते ही बिहार के दो बाहुबलियों ने प्रत्यक्ष रूप से न सही परोक्ष रूप में अपना हिसाब चुकता कर लिया है। कहने वाले तेजस्वी के साथ बिहार के दो बाहुबलियों का विश्वासघात भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सियासत की जंग है और पुरानी कहावत है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है।